ओए भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो, वैसे तो यार यहाँ पे जब भी प्लेन पाथ जो है वो यहाँ पे स्टेडियम से दूर रहता है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यार वो वाला मैच जो है वो ना ही खेलूँ। लेकिन ये वाले मैच में मेरे को भाई ये वाला गेम खेलना पड़ता है, और इसमें भाई जो है ना यहाँ पे भाई 40-50 का माइनस जो पढ़ते पढ़ते मेरे को, मैं जो बच्चा हूँ ना भाई, यहाँ पे सर्वाइवल इतना खतरनाक है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो यार, स्टेडियम दूर था तो गाड़ी लेके ऑब्वियसली जाना पड़ेगा रिकॉल उठाने। रास्ते में मैं सोचा कि चलो यार, अगर कहीं पे भी गन मिलती है ना तो गन उठा के निकलते हैं, लेकिन उसी टाइम बीच रास्ते में मेरे को एक और बंदा मिल जाता है। पहले तो यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, क्योंकि यार बंदे के पास यहाँ पे जो है सिर्फ कट्टा ही था। मेरे को लगा कि बंदे के पास कुछ हुआ नहीं तो मैं भाई ऐसा सीधा ही पुश कर देता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे अगर इसके पास गन होती है ना, बंदा डेफिनेटली इधर मेरे को मार देता। बंदे ने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, तो जल्दी से पुश टूश मार के ना यहाँ से मैं निकल ही रहा था कि राइट साइड से एक और कूप आ जाती है। और भाई जिस टाइम पे ये वाला मैच जो यहाँ पे मैं खेल रहा था ना, उस टाइम पे ना तो मेरे पास चैलेंज पॉइंट्स थे और ना ही टीयर प्रोटेक्शन था। तो यहाँ पे भाई मेरे को पता था कि अगर बंदे ने इधर मेरे को मार दिया ना, तो यार यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला माइनस पड़ने वाला है। जितना हो सके उतना भाई यहाँ पे मैं फाइट अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था। अब मैं तो ये यहाँ पे फाइट अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बंदे के भाई यहाँ पे चुल थी, और बंदा जो है वो मेरे पे क्लोज इन किया जा रहा था। बंदा ढूंढ तो रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि मैं P6Z जाके मस्त चुपचाप बैठ गया हूँ। बस इसके ओपन में आने का वेट कर रहा था। जैसे ओपन में आता है सीधा इसको भर देते, एंड अब इसकी गाड़ी उठाने में जा ही रहा था कि उस साइड से एक और बंदे का फुट आ जाता है। मैं समझ गया था यार अभी भी यार यहाँ पे एक और बंदा बचा है। फाइट लेने के लिए रुकता हूँ नहीं भाई, सीधा वहाँ से गाड़ी उठा के भाई यहाँ पर रिकॉल उठाने निकल जाता हूँ। लूट वूट कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद मेरी कुछ फाइट्स हुई नहीं थी, सीधा यहाँ से लास्ट जोन की तरफ बढ़ेंगे। अब जोन जो था वो पोचिंग की साइड बन रहा था, एंड ऐसे टाइम पे ना यार यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि सीधा पोचिंग के अंदर घुस जाते, और जब जोन जो है वो बाहर की साइड शिफ्ट होता है ना, तो इन लोगों को फिर रोटेशन लेने में दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसा सिटी का जोन बने ना, तो पहले ट्राई करो कि सिटी के बाहर होल्ड करो, जब तक कि कंफर्म ना हो कि जोन जो है वो अब सिटी के अंदर ही जाने वाला है, तब तक यार यहाँ पर सिटी के अंदर मत घुसो। क्योंकि एक बार सिटी के अंदर घुस गए ना, उसके बाद बाहर निकलना भाई इम्पॉसिबल हो जाता है। और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही होता है, अगला जोन जो था वो बाहर की साइड शिफ्ट होता है, एंड अभी भी यार यहाँ पे अपन बाहर की साइड ही होल्ड कर रहे थे। तो नेक्स्ट जोन जो है वो अगर हल्का सा आई से शिफ्ट होता है ना, तो जोन के अंदर जाने में यहाँ पे अपने को दिक्कत होने वाली है नहीं। बाकी तो रिसेंटली यहाँ पे अपन ने भाई ड्रिल्स वाली वीडियो अपने सेकंड चैनल पे अपलोड की थी स्प्रेस को लेके, एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट मैंने वहाँ पे देखा था। तो यार कौन कौन यहाँ पे भाई जो है वो डेली डेली ये ड्रिल्स जो है वो फॉलो करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी तो अब नेक्स्ट जोन जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब भाई जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है।
अब जोन जो था वो हिल के ऊपर की साइड जा रहा था, तो यार यहाँ पे भाई मेरे को जोन के एचपी एक अच्छी सी पोजीशन ढूंढनी थी। यहाँ पे जोन के एचपी में रुकता भी हूँ, लेकिन पीछे की साइड से एक बंदा जो है वो मेरी बक्की के टायर वायर फोड़ देता है। अब जैसे तैसे उसको तो मार देता हूँ, लेकिन जोन के अंदर अपने को जाना था और मेरे को पता था कि अगर पैदल जाऊंगा तो कोई ना कोई इधर मेरे को मार ही देगा। तो भाई यहाँ पे मेरे को ये वाले शेक पे पुश करना पड़ता है, ये वाले बंदे को तो इजीली मार देते हैं। लेकिन अब अगेन नेक्स्ट जोन जो था वो आगे से शिफ्ट हो चुका था, तो देखते कि यार अब जोन के अंदर किस तरह से अपन क्लोज इन करेंगे। अब लास्ट में मेरे को छोड़ के दो और बंदे बचे थे, जिसमें से यार किसी की भी मेरे को लोकेशन का आइडिया था नहीं। लेकिन जैसे इन लोग की फाइट होती है ना, सीधा यार यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने आ जाता हूँ। बचे बंदे की लोकेशन का आइडिया हो चुका था, एग्जैक्ट नेट फेंक के बंदे को भर दिया जाता है, डिसेंट सा प्लस मिल जाता है। बढ़ते सीधा आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। सो देखो यार ये वाले मैच की शुरुआत कुछ खास हुई नहीं थी, क्योंकि यार यहाँ पे उतरने के साथ ही मैं मर गया था, तो ज़्यादा किल्स तो नहीं मिले थे। लेकिन यार ये वाले मैच की एंडिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली, क्योंकि बिना व्हीकल के बिना प्रॉपर कवर्स के ना ये वाले मैच का लास्ट जोन जो है जो ही इंटेंस होगा, देख के मजा आने वाला है।
अब धीरे धीरे करते करते भाई यहाँ पे इसका लास्ट जोन जो इंटेंस बन गया था ना भाई साहब, और लास्ट की जो 1v1 की फाइट थी इतनी लंबी खींच गई थी ना, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे एट द एंड ये वाला मैच में चिकन निकाल लिया जाता है। बाकी तो यार बस इतना के लिए गेम प्ले, अगर उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से देखो चैनल को सब्सक्राइब तो हमारी देना, एंड कुछ ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।